अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कोरिया में यहाँ पे सेलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो गाइस ये लोग आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कोरिया में जो है पुलिस वालों के उन लोगों ने नई गाड़ी ली थी, तो इसका अफ्तार करना चाह रहे थे कि चलो जैसे हम किसी गाड़ी वगैरह लेते हैं तो उसके लिए हम कहीं बकरा वगैरह जमा करते हैं, नहीं तो कोई ख़त्म कौन नहीं करते हैं। तो ये लोग ख़त्म तो मतलब मुस्लिम तो है नहीं, नॉन मुस्लिम है, तो इनका आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सेलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो इन्होंने पहले ये लेके आए थे, जिनको भी लेके आए इनका उसका सर लेके आए थे, तो उसको बड़े ही प्यार से उठा उठा के उसको सजा रहे थे और कुछ फ्रूट्स भी लेके आए थे। हम लोग भी न्यू थे क्योंकि हमने कुछ 2-3 मंथ हुए थे इसको ज्वाइन किया हुआ था, सो मैं तो गेस्ट पे ही गई हुई थी। और बाकी जो मेंबर थे जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे थे, क्योंकि आज बड़े बड़े ऑफिसर ने आना था क्योंकि गाड़ी चुननी थी, क्योंकि ये लोग जो है वो गाड़ी जो है वो 10 साल के बाद ही न्यू लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं उनको 10 साल के बाद न्यू गाड़ी अवेल होती है। तो इन्होंने न्यू गाड़ी ली थी, हमें भी इन्वाइट किया था कि आप लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं तो आप लोगों ने भी आना है, तो आपने आके आओ मदद करनी है। देखिए मुस्लिम भाई एक और भी आए हुए थे बांग्लादेश से, काफ़ी मुस्लिम भाई थे जो यहाँ पे ज्वाइन किए हुए थे। ये देखिए जी, ये है आसन सिटी। सो ये जो था वो आसन सिटी जो था स्टेशन था, यहाँ पे जो था वो खाना पीने की तैयारी हो रही थी। और हमारा ये था कि हमारा चल रहा था रमज़ान, तो हमने कहा था कि हमारा तो रमज़ान चल रहा है, हम तो खाना पीना नहीं कर सकते। इन्होंने कहा है जी हमने खाना पीना नहीं भी करना, तो भी आपने आना है। हमने कहे है अल्लाह, हमने रमज़ान में भी जाना है, क्योंकि खाना किस मैर में छोड़ सकते हैं, लेकिन लोग तो खुशबू कहते हैं। अरे जी चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे देख सकती हैं कि हमारी मैम कह रही थी कि आपने कलर वगैरह सेट करें, तो ये भाई साहब अपने कलर वगैरह सेट कर रही थी। यहाँ पे हर अबू जी भी थे, हर अबू जी का पास एक काम था, उन्होंने यहाँ इसकी एक पत्ता आन दिया। उन्होंने काफ़ी टाइम कभी इधर कभी उधर, मैंने कहा है जी देखिए जी हर अबू जी थी जो थी ना वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, बाकी जो थे वो सारे भाई थे वो तैयारी कर रहे थे और मेरे मिस्टर हम भी तैयारी कर रहे थे। चलो जी खाना पीने की तैयारी तो हो गई, अब जो हमारे हेजल नेम थे वो देंगे जिसको जो भी हम तिलावत करते हैं कुछ भी करते हैं, तो ये करें जी अपना सुल डाल रहे हैं शराब, तो ये भी साथ में रखेंगे, तो फिर आगे देखते हैं जी क्या करते हैं। तो ये लोग जो हैं वो बड़ा ही एहतमाम कर रहे थे, उन्होंने एक चेक भी लेके आए हुए थे जो उसको पढ़ के, और अब ये चलाएंगे। पहले तो इसको ये इन सब देंगे, इन सब मतलब वो सलाम पेशी करते हैं, तो लो जी इन्होंने सलामी पेश की है, अब आप ही सुनिएगा आप मज़ा आएगा। ये अपना कलर पर सेट कर लें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, तो फिर स्टार्ट करते हैं।건강과 행운을 내리시어 항상 행복한 삶을 영위할 수 있도록 부모 살펴 주시옵소서. 상향 2023년 3월 26일 최용석 회 회원 일동 올립니다. मैंने इसकी तारीफ शरत की और अल्लाह से मांगा है कि हमारी जो है वो गाड़ी बहुत अच्छा चले और हम लोगों को इतफाक दीजिए। अपनी गाड़ी को हम लोग इतफाक नहीं कहते, ये हमारा घर है, तो ये उसको 3 दिन मतलब आगे जो है वो उसको सलाम पेश कर रहे हैं, तो खुश हो रहे हैं, ये खुशी ऐसे ही मनाते हैं। तो ये कुछ अपने पास पैसे भी लेके आए थे, वजह थे वो उसके मुँह में डाले जा रहे थे, वो जो थे अपना पैसा लेके आया था वो उसमें रखे जा रहा था। तो अभी जो थे वो दूसरे सारे वर्किंग थे वो भी अपनी अपनी वीडियो शूट कर रहे थे, और मैंने सोचा कि चलिए जी मैं भी अपनी ये वीडियो शूट कर ही लेती हूँ कि सेलिब्रेशन लोग कैसे करते हैं। अभी जो भी शराब था मैंने कहा पता नहीं इसको क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने इसके जो टायर थे उसे टायर पर ही डाला,
किसी का अपना अपना कल्चर है, हर हम किसी कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मुझे अच्छा लग रहा था, हर इंसान को आज़ादी है कि वो अपने कल्चर के साथ कुछ भी कर सकता है। तो कोरिया में भी यहाँ पे आज़ादी है, यहाँ पे आपको कोई भी अपने कल्चर या अपने काम करते हुए कोई भी तंग नहीं कर सकता। हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ है और ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे हीरो हैं उनके बहुत अच्छे थे और इन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया। ये बहुत ज़्यादा खुश थे कि चले हमें न्यू गाड़ी मिल गई है और साथ में सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। और मैं भी खुश थी कि चले कोरियन सेलिब्रेशन मैं भी देखूँगी ये लोग कैसे सेलिब्रेशन करते हैं। तो अभी ये बार बार जो थे वो अपने अपने इनसे किए जा रहे थे और खुश थे। बड़े बड़े ऑफिसर थे ना, तो ये अपना अपना काम वो, जैसे हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि जैसे वो चल रहा होता है जी क्या कहते हैं हम, हाँ जैसे वो हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि दूल्हा तैयार होता है, पहले दूल्हे की तैयारी करते हैं, उसके कपड़े वगैरह रखते हैं जी, दूल्हा जो था वो हॉलर से तैयार होके आ जाता है, उसके लिए सामान वगैरह रखते हैं। इन्होंने भी आके उसको बड़े अच्छे से इसको तैयार किया, अपने अपने नीचे टेबल लगाए और सारा कुछ किया, और जो सब थे वो अपना अपना काम किए जा रहे थे और सब इसको उनसे किए जा रहे थे और दुआएं किए जा रहे थे कि ये हमारे लिए बड़ी अच्छी साबित हो। और ये हम जो थे वो बड़ी खुश थे क्योंकि गाड़ी न्यू मिल रही थी, और मैं भी बड़ी लकी थी क्योंकि हमारे आने से इनको गाड़ी भी न्यू मिल गई थी। मैंने कहा चले जी इनके इनसे तो हो रही थी, देखिए ये इसको ऐसे इनसे कर रहे थे, सलाम कर रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। मैंने कहा चलो खूब इंजॉय हो गया, हमारा रोज़ा था और हम लोग रोज़े में भी आए हुए थे और हमने जो था वो पूरा पूरा काम करा क्योंकि ये तो हमारा जॉब था ना, रोज़ा था अभी तो लेकिन ये हमारा जॉब था। और हमने बड़ा फ्रूट वगैरह डाला, अचार वगैरह डाले, सारी तैयारी की रही और तब ये उन्होंने इनसे करी। बड़े बड़े ऑफिसर थे वो भी थोड़ी देर तक आने वाले थे, हमने कहा चलो कि आने से पहले पहले हम जो पहले बड़े ऑफिसर आए हुए थे जो इस पर जॉब कर रहे थे तो खासा ड्यूटी पे पूछे, तो उन्होंने पहले ये अपना काम किया। मैंने पीछे पीछे जा रहे थे, मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं, तो ये सारे ही टायर्स के ऊपर ना वो सुल गिरा रहे थे। मैंने कहा अच्छा ये मतलब सारे टायरों पे ऐसे गिरा रहे थे। वो जैसे होता है ना कि हम बकरा ज़बह करते हैं तो उसको वगैरह जो होता है वो कर रहे होते हैं, तो ये लोग भी सेम ऐसे ही कर रहे थे। लेकिन इनका कल्चर अपना है, हमारा कल्चर अपना है। कुछ लोग आ रहे थे और कुछ साथ में पार्किंग भी थी, तो पार्किंग वाले अपनी गाड़ी में ले आ के आ रहे थे, लेके जा रहे थे। हम लोग मैं देख रही थी कि अब किसकी बारी आएगी। अभी ये थी हमारी जो ऑफिसर थी वो आई थी, उन्होंने अपना अपना शराब होटल में डाला और वहाँ पर चले जी मुझे जाने क्योंकि हर कह रहा था कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि हर कोई कह रहा होता है कि पहले आप पहले आप, बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे होते हैं। और कोई इनमें मुझे नहीं कह रहा कि बड़ा हो लेकिन छोटे हो, बड़े भी कह रहे होते हैं कि चलिए आप स्टार्ट करें। लेकिन यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है और हर बंदा अपनी अपनी बारी पर आया जा रहा था और ये इनको इनसे किए जा रहा था और अपना जो वो था जो भी खुशी थी वो अपनी सेलिब्रेट किए जा रहे थे। तो हमारे जो बंगलेशी भाई थे वो भी देखे जा रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी, वो भी हंस रहे थे कि हम लोग तो रोज में हैं तो हम आज यहाँ पे आए हुए हैं और इन लोगों के साथ हैं। हमने कहा चलिए जी कोई बात नहीं है, हमारा ये जॉब होता है कि हम भी अपने अपने साथ काम कर सकते हैं। इसी में पैसे लेके आई थी तो इसने कहा कि चले मैं कान में डाल देती हूँ, बाकी लोग मुँह में डाल रहे थे कि अब इसके मुँह में जगह जगह नहीं बची थी, तो इसने कहा कि चले जी मैं ना इसके मुँह में डालने की कोशिश करती हूँ इसके कान में भी। मैंने कहा ये देखिए जी इसकी नोज में भी डाल दिए, इसने कहा कि इसकी नोज भी खाली थी, ये पैसे खूब सारे डाले साथ इसको, तो इसने इसकी नोज में भी जो था ना वो थे जी की नोज में भी था उसने पैसे डाल दिए। चले जी पैसे ही पैसे, मैंने कहा वो सॉन्ग इनके लिए शायद बन रहा था कि पैसा पैसा करती है तो पैसा क्यों देती है। ये देखिए मैंने कहा कि मैं तो दिया ही नहीं, लो जी मैं भी इतना जो है कुछ पैसा वैसा दे देता हूँ देता हूँ। तो लो जी इसने भी कोशिश करी है, इसकी मूवी कोपर किया है, मैं कोपर करके खोल के इसने अपना काम कैसे दिया और जो अपनी बारी बारी के इंतजार किए जा रहे थे हमारे आए जा रहे थे। तो गाइस इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और यहाँ हमें बहुत सारा एंजॉय किया और मज़ा आया, और यहाँ का सेलिब्रेशन ऐसा ही होता है क्योंकि
यहाँ पे लोग जो है वो ऐसे ही सेलिब्रेशन करते हैं। अल्लाह हाफिज़।